हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय विमलेश पूजा चैनल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। तो मॉर्निंग के बज रहे हैं 8 और आज है संडे। तो संडे को देखिए बच्चे तो है नहीं, हस्बैंड है, तो अभी वो सो रहे हैं। 8 बज चुके हैं, अभी तक सो रहे हैं, तो अभी देखो कितने बजे तक सोएंगे। और मैं नहा लिया मैंने, और मेरी पूजा भी हो चुकी है, आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए पूजा हमारी हो चुकी है, मैं नहा कर पूजा कर ली और मेरी बन रही है चाय यहाँ पे। ये देखिए मेरी चाय भी बन रही है और मैं चाय पीऊँगी। उनको भी उठाती हूँ, देखती हूँ चाय पीते हैं या नहीं, अभी कब उठेंगे। तो अभी तक मैंने जो है स्वेटर वगैरह नहीं पहना, सिर्फ शॉल ले रखी है शॉल। और इस शॉल के पीछे ना बहुत ही बड़ी कहानी हैगी, कभी मैं विस्तार आप लोगों को बताऊँगी इस शॉल के पीछे क्या कहानी है। और ये शॉल हो गया होगा 10 साल, 10 नहीं 12 साल पुराना है। 12 साल हो चुके इस शॉल को। जब हमारी न्यू शादी हुई थी ना, तब मेरे हस्बैंड ने ला के दिया था फर्स्ट शॉल मुझे, और एक जैकेट। जैकेट तो ख़राब हो चुकी है, लेकिन शॉल मैं ज़्यादा ओढ़ती नहीं थी, तो इसलिए शॉल बचा हुआ था। और ये मैं फेंकने जा रही थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा इसको फेंको ना, ये मेरा दिया हुआ है, पहली बार मैंने दिया था, तो इसको फेंको मत। मैं अच्छा चलो नहीं फेंकती हूँ, ऐसे मैं शॉल वगैरह ज़्यादा लेती नहीं हूँ, शॉल वगैरह मैं ज़्यादा लेती नहीं हूँ, तो इसलिए शॉल जो है बचे रहते। तो ये 12 साल पुराना शॉल है, इसमें मोती लगे हुए हैं, आप लोग देखती नहीं, कुछ कुछ मोती झड़ चुके हैं इस साइड है। ये देखिए सितारे और मोती लगे हुए थे इसमें काफ़ी सारे, तो मोती ना झड़ चुके हैं काफ़ी, क्योंकि पुराना हो चुका है इसलिए। और मुझे बहुत पसंद था, और ये शॉल मेरी ननद को भी बहुत पसंद था, उन्होंने कहा कि ये शॉल मुझे चाहिए, लेकिन ये मेरे लिए आया था इसलिए किसी को दिया नहीं गया। तो उनको भी ये शॉल बहुत पसंद था, और मुझे भी बहुत पसंद आया ये शॉल पिंक कलर का, उस टाइम मेरा फेवरेट कलर भी पिंक था। तो चलिए फ्रेंड्स, और चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं गर्मा गर्म। और अभी बहुत सारे काम, अभी कोई काम नहीं किया है, तो काम तो बिस्तर से बिस्तर वगैरह झाड़ के फिर झाड़ू पोछा करती हूँ मैं, और कपड़े बहुत सारे धोने हैं तो कपड़े भी धोऊंगी, देखती हूँ धूप निकल जाएगी। आजकल धूप अच्छी निकल रही है और काफ़ी तेज़ धूप निकल रही है, तो धूप की कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने अपना मेकओवर कर लिया है थोड़ा बहुत, जो है लिपस्टिक बिंदी मेरी ख़त्म है, मुझे बिंदी लेकर आनी है, मैं बार बार भूल जाती बिंदी लाना। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग थोड़ी देर में मिलते हैं, चाय पका लेती हूँ पहले मैं। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग के बाद जो है मैंने दोबारा वीडियो शूट नहीं किया, तो ये 12 बजे का टाइम है, और मैं गार्डन में आई थी मटर छीलने के लिए। तो मैं कहा चलो गार्डन में बैठी रहूँगी, और मेरे हस्बैंड काम भी करे तो मटर छील लूँगी। तो मटर मैं छील चुकी हूँ, अब जाऊँगी खाना बनाने के लिए, तो मुझे हलवा बनाना तो वही बनाऊँगी। तो और आप लोगों को मैंने काफ़ी टाइम से गार्डन नहीं दिखाया, तो आप लोगों को बैक कैमरे से मैं अपना पूरा गार्डन दिखाती हूँ, तो जहाँ पर काम कर रही है। तो चलिए बैक कैमरे से देखिए और वीडियो को इंजॉय कीजिए आप लोग। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं गार्डन से आ चुकी हूँ, और मतलब मेरे पूरे लिफाफे में है, फिर वैसे थोड़ा रख दूँगी, रात को बनाऊँगी मटर मशरूम खाने में। तो मैं चल रही हूँ हलवा बनाने के लिए हस्बैंड के लिए, कल बोल रहे थे हलवा खाने के लिए, कल नहीं बनाया तो वो थोड़ा सा गुस्सा हो गए हैं। तो चल रही हूँ बनाती हूँ हलवा, और मैंने पूछा क्या खाओगे, कुछ कह रहे कि नहीं खाना, मुझे खाना ही नहीं खाना, उनको मीठा इतना ज़्यादा पसंद है, इतना ज़्यादा पसंद है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि कितना पसंद है उनको मीठा खाना, मीठे में उनको रोज़ मीठा चाहिए खाने के लिए। तो चल जी हलवा बनाती हूँ, बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कढ़ाई में घी डाल के और सूजी डाल दिया है, सूजी भून रही हूँ, तो सूजी को अच्छे से भून लेना है। तो देख सकते हो आप लोग, इसी कटोरी से मैंने सूजी, एक कटोरी सूजी एक कटोरी चीनी ले रखा है, और जो है आधी कटोरी मैंने
रिफाइंड लिया है, तो आधे से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो आप लोग देख सकते हो सूजी मेरी भुन रही है, लगभग भुन चुकी है, थोड़ी बहुत कसर रह गया है। तो इसमें मैं डाल दूँगी पानी। पानी मैंने अपने अंजाद से लिया था और आप लोग भी अपने से ले लेना। और इसी में ही पानी के बाद मैंने डाल दिया है चीनी, तो देख सकते हो। और इसको बस हिलाते हिलाते हमें पका लेना है। तो देखिए उबाल आ चुका है हलवे में, और बस हिलाते हिलाते इसको हमें पकाते रहना है। तो देखिए काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। बस थोड़ी देर में हमारा हलवा बनकर तैयार हो चुका हो जाएगा, टेस्टी टेस्टी। तो देखिए हिलाते हिलाते, और इसमें ना फटकते हैं बहुत ज़्यादा हलवा, तो आप लोगों को ध्यान से इसको जो है बनाना है, क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा फटकने के वो होते हैं। तो ये देखिए हलवा तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने अपने लिए बनाया है चीला, हलवा बनाया था और अपने लिए फिर बनाया है चीला। और इसमें ना मेरे पास बची हुई दाल थी, मूंग मसूर की जो दाल होती है ना, वो भी डाल दिया, दाल भी डाला हुआ है, और प्याज टमाटर धनिया पत्ती ये सारा कुछ डाल के बनाया। और दाल से ना बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट बने हुए चिले, ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट है। तो चलिए चिला खाते हैं, और बहुत ही टेस्टी है और आसान है। बस दाल बची हो तो आप चिले में ना दाल वगैरह भी डाल दो तो बहुत ही टेस्टी बनता है, और बची हुई दाल वेस्ट भी नहीं होती है। खा चिला बना के कुछ नया कर लेते हैं दाल का, और खा भी लेते हैं, और सभी बच्चों को भी पसंद आएगा। आप लोग जो भी बनाना है ये चिला, तो चिले खाते हैं चिले को। ये देखिए फ्रेंड्स मेरी बेटी ने अपनी जींस खराब कर दी, उसको साफ करने जा रही हूँ गर्म पानी से। तो फ्रेंड्स बच्चे घर पर आ गए थे शाम के टाइम, और आते ही मेरी बेटी ने जो है जीन्स को ख़राब कर दिया। कलर रखा हुआ था वो कलर से गिरा दिया अपनी पैंट पे। तो बस वही जा रही हूँ गर्म पानी से साफ़ करती हूँ, और ज़्यादा साफ़ नहीं होगा, जितना होगा मैं कर लूँगी। और सारे बस बैठे हुए चाय पीने के लिए हैं, और मेरी जेठानी का बेटा भी आया है साथ में। तो घर सुना सुना जो था वो फिर से चिलम चिल्ली वाला हो चुका है घर। तो चलिए फ्रेंड्स, तो सभी बच्चे जो है मस्ती करने में लगे हुए, कोई डांस कर रहा तो कोई कुछ कर रहा, देख रहे हो पागलों जैसे हरकतें हो रही है। और ये देखिए कितना ज़्यादा दाग लग चुका है, तो देखते हैं साफ़ होता है या नहीं। वैसे साफ नहीं होगा क्योंकि मुझे पता है। तो यहाँ पे सारे बैठ के खा रहे हैं गुड़ गट्टा, और चाय भी है साथ में, तो चाय भी रखी हुई है पीने के लिए। तो हम सारे बैठ के चाय पियेंगे। शाम की चाय हमारी होती है करीब 6:30 बजे, क्योंकि शाम को कोई चाय पीता ही नहीं है। पहली बात सारे काम पे रहते हैं तो कोई बेल होता ही नहीं घर पे, तो इसलिए 6:30 या 7 बज जाते हैं शाम की चाय पीते पीते हमें। तो चाय पी रहे और बस बैठे हुए हैं, और मुझे अभी खाना भी बनाना है, तो वो भी करूँगी काम, बस खाना बनाऊँगी। लेकिन मैंने वीडियो शूट नहीं किया था खाने की, क्योंकि मेरे घर से फ़ोन आ गया था मायके से, तो फ़ोन पे बात करने लगी थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर सकी। तो चलिए फ्रेंड्स यहीं पे बस हमारा वीडियो का एंड भी हो जाएगा। और जो है जो भी वीडियो पे न्यू आ रहे हैं, चैनल पे न्यू आ रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर दिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स कल फिर मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय 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 बाय।